नमस्कार, जय श्री श्याम। गीता टिप्स में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि क्या हमें घर में केले का वृक्ष रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को बता दूँ कि केले का वृक्ष बहुत ही ज्यादा शुभ होता है घर में रखा हुआ। वैसे तो ज्यादातर लोग बृहस्पतियों की पूजा करते हैं, तो जब भी अपने बृहस्पतियों की पूजा करते हैं तो उसमें केले के वृक्ष के पूजन का सबसे बड़ा महत्व बताया गया है। तो अब जैसे पहले तो केले का वृक्ष मैदान में हुआ करते थे या पैसेज में हुआ करते थे, तो वहां लोग जाके पूजा कर लेते थे। लेकिन आजकल लोग टब के अंदर में ही केले का वृक्ष लगा के छत्ता पे रख दिया करते हैं। तो छत पे हम लोग रखते हैं या बालकनी में कहीं भी रखते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि केले का वृक्ष घर में नहीं रखना चाहिए। तो मैं उन लोगों के लिए बात बता दूं कि केले का वृक्ष घर में रखना बहुत ही शुभ होता है, वो अशुभ नहीं होता है। लोगों को लगता है कि केले का वृक्ष यदि हम घर पे रखते हैं तो वो शुभ नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। केले का वृक्ष, क्योंकि ये मेरा आजमाया हुआ है, क्योंकि बहुत साल पहले मैं भी जब बृहस्पति देवता की कथा करना मैंने जब शुरू किया था, उनकी जब पूजा करती तो मैं भी अपने टेरेस पे रखती थी केले का पौधा जो था। तो फिर पूजा करने के टाइम पे नीचे लेकर आती, फिर बृहस्पति की पूजा करने के बाद फिर मैं उसे उस पौधे को छत पे रख देती थी। तो लेकिन एक तरह से देखा जाए तो जब हमें पूजा करनी तो हम उन्हें घर के अंदर लाते हैं, लेकिन जब पूजा हो जाती तो हम लोग उन्हें घर के बाहर निकाल देते, ये भी तो गलत है। तो लेकिन कुछ बिजी होने की वजह से एक बार मैं केले का वृक्ष रख नहीं पाई थी टेरेस पे, मैं उसे अपने घर की खिड़की पे रख दी थी। तो उस वक्त भी मैं बिजनेस किया करती थी, तो मुझे नहीं पता अचानक से मेरे बिजनेस में बहुत ही उन्नति होने लग गई। 15 से 20 दिन में मुझे इतना ज्यादा प्रॉफिट मिला, तो मुझे मन में थोड़ी टेंशन रहती थी कि मैंने केला का वृक्ष घर पे रखा है, केला का पौधा घर पे रखा है, तो पता नहीं कहीं कुछ मेरे साथ गलत नहीं हो, गलत ना हो, ये मन में एक टेंशन चल रही थी। लेकिन अचानक से मैंने देखा कि जब से मैंने केले का वृक्ष जो भी केले का पौधा जो भी मैंने घर पे रखा है, उसके बाद से मेरे बिजनेस में बहुत ही बढ़ोतरी होने लग गई थी। जो मतलब जैसा चलता था उससे भी 3-4 गुना ज्यादा अधिक मेरा अच्छा चलने लग गया था। तो उसके बाद से मुझे मन में विश्वास हो गया था कि केले का पौधा घर में रखना बहुत ही शुभ होता है। और उसके बाद फिर मैंने इन दिनों YouTube पे भी सर्च किया, मुझे लगा कि क्या पता ये मेरे मन का वहम हो या सिर्फ मुझे लग रहा हो, सच में कुछ लोग बोलते कि नहीं रखना चाहिए, तो क्या हमें रखना चाहिए नहीं। फिर मैंने YouTube पे भी देखा तो कई लोगों का ये सुझाव था कि केले का वृक्ष घर में रखा हुआ शुभ होता है। तो इसलिए हमें केले का वृक्ष घर में रखने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और ये बहुत ही अच्छा शुभ होता है। और यदि किसी को लगता है कि ये शुभ नहीं होता, तो आप एक बार केले का पौधा अपने घर में लगा के देखिए। जैसे आपके यदि बगान नहीं है तो आप अपनी विंडो पे, अपनी बालकनी पे भी इसको रख सकते हैं। 15 से 20 दिन में आपको इसका रिजल्ट समझ में आ जाएगा कि ये आपके लिए शुभ है या नहीं। यदि केले का वृक्ष रखने के बाद में यदि आपके यदि कुछ नेगेटिविटी होने लग जाती है या कुछ आपके घर में उल्टा सीधा हो रहा है, तो समझ जाइए कि वो केले का पौधा आपको सूट नहीं कर रहा है, तो आप उसे वापस टेरेस पे या बगान में रख सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि 20-25 दिन बाद में या महीने भर में कि आपको कुछ अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है केले का पौधा रखने के बाद, तो समझिए कि आपको ये केले का पौधा सूट कर रहा है। और स्पेशली ये पूर्व और दक्षिण दिशा में रखने के लिए होता है। यदि पूर्व और दक्षिण दिशा में रखे तो ये और ज्यादा शुभ होता है। और केले के पौधे के साथ यदि बगल में आप यदि तुलसी माता का भी पौधा रखे तो और भी ज्यादा शुभ होता है। तो केले का वृक्ष और तुलसी माता का पौधा हमेशा एक साथ रखना चाहिए। जैसे आप लोग जानते ही होंगे, यदि नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, तुलसी माता जो विष्णु भगवान जी की, नारायण भगवान जी की जो पत्नी कहलाती है, जो सालिग्राम जी की हम लोग पूजा करते हैं, सालिग्राम जी और तुलसी माता का विवाह करते हैं, तो वही सालिग्राम जी और विष्णु भगवान जी और बृहस्पति देवता तीनों एक ही है। तो केले का जो पौधा है उसमें विष्णु भगवान जी का वास होता है और तुलसी माता तो पटरानी है ही, वृंदा देवी है ही, आप लोग को पता है। तो इसीलिए केले का पौधा और तुलसी का पौधा हमेशा एक साथ रखना चाहिए। एक साथ रखने से ये ज्यादा शुभ होता है। और हो सकता है एक टब में भी कई बार केले का पौधा लगाते हैं तो साइड से देखिए तुलसी जी का पौधा निकल आता है, तो उस तुलसी का पौधा को आपको केले के पौधे से नहीं हटाना है, क्योंकि यदि आपके केले के वृक्ष के साथ यदि तुलसी जी का भी पौधा निकल रहा है तो बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। तो इसलिए केले का वृक्ष और तुलसी का पौधा आप हमेशा घर में रखा करिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको थोड़ा आजमा के देखिए वो आपके लिए शुभ है कि नहीं है।
आपको महीने भर के अंदर में पता चल जाएगा कि वो आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी टिप्स अच्छी लगी होगी। यदि आप लोगों को मेरी टिप्स अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और यदि कोई भी टिप्स मेरी आप लोगों को पसंद आती है, कुछ रिजल्ट अच्छा मिलता है आप लोगों को उसका, तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कभी न भूले। इसी के साथ जय श्री श्याम, अलविदा।